मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। दोस्तों गूज़बम्प्स, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों आज सुबह भुज फिल्म का ट्रेलर YouTube के ऊपर रिलीज कर दिया गया और अब तक मैंने ये नहीं देखा है, क्योंकि कल जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि जब भी इसका ट्रेलर आएगा मैं आपके साथ ही देखूंगा, और इसीलिए अभी तक मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा है, क्योंकि मैं चाह रहा था मेरा जो भी पहला फर्स्ट रिएक्शन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसका एक कारण भी है। टीजर देख के मुझे समझ में आ गया था कि भाई फिल्म तो ये मेगा बजट एक बहुत ही अच्छी फिल्म होने वाली है। इसमें जो टीजर में VFX थे दिख रहे थे मुझे, स्पेशल इफेक्ट्स दिख रहे थे, वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी के लग रहे थे, कार्टूनिश बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। कास्ट भी इसकी अच्छी है, एक दो लोगों के साथ मुझे प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या इस फिल्म से भी हमारे जो देश के लिब्रांडू हैं, जो हमारे देश के लिबरल पब्लिकेशंस हैं जैसे कि द वायर, प्रिंट, इनको क्या कोई दिक्कत हो सकती है, क्या अब इस फिल्म के विपक्ष में भी बयान दिए जाएंगे, क्या इस फिल्म की भी अब आलोचना की जाएगी, धज्जियां उड़ाई जाएंगी, क्या इसे भी टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म की संज्ञा दी जाएगी इस फिल्म को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिना किसी विलंब के आइए इसके ट्रेलर को देखते हैं। भुज गुजरात, भुज एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। हमने चुने कुछ अलग रास्ते। VFX में कह रहा था ना अच्छे हैं, देखो आप हाई क्वालिटी के, एकदम बिल्कुल भी कार्टूनिश नहीं। रुकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता, सैम मानेकशॉ का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता। हमारी 1971 वॉर के नायक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और उनकी प्लेट पे भी आप गौर से देखोगे, नेम प्लेट पे तो सैम मानेकशॉ लिखा हुआ है, गौर से देखोगे अगर आप। मराठा से तो ही बात जानता है, मारना या मरना। ये बात बेटे मस्त होते हैं। क्यों जंग का ऐलान है, आज खुदा खुद परेशान। भगवान कृष्ण ने कहा है। देखो अच्छे हैं VFX, ये गाय वगैरह सब, मेरे गाय तो नहीं पर वो जो ये चीता है, तेंदुआ है, ये सब VFX है, क्रिएटेड एनिमेटेड है, पर देखो अच्छा लग रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें। ये आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता है, शरद। पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का परचम। अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशन सीन था भाई वाला, ये फिर से देखो ये वाला। हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है। ताजमहल प्यार की निशानी है, तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। ताजमहल प्यार की निशानी है, तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। गजब डायलॉग, अच्छे बिल्कुल। जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय कारने रनवे रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। या खुदा, तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। उसकी मार दिया उसको, उसकी बॉडी दिखा दी ना, वो पड़ी हुई है। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सीन अच्छे हैं यार, स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उसी दिन पगड़ी पहनूंगा। भारत माता की जय। मेरे मरने का मातम मत करना,
मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूँ मरने के लिए। मेरा नाम है सिपाही। अरे यार क्या बात है। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। दोस्तों गूज़बम्प्स, मतलब रोंगटे खड़े हो गए हैं। गजब ट्रेलर है, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है। मुझे शिकायत यही रहती थी हमारे यहाँ जो ऐसी फिल्में भी बनती थी वॉर फिल्में, कि उनमें जो VFX वगैरह स्पेशल इफेक्ट होते थे वो कार्टूनिश हो जाते थे, टैंक्स वगैरह, प्लेन वगैरह, ये बॉम्बिंग के सीन्स। लेकिन इसमें सब कुछ टॉप नॉच का है, मतलब मज़ा आ गया। आपके भी गूज़बम्प्स, आपके भी रोंगटे ज़रूर खड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, मतलब मेरे तो कम से कम खड़े हो गए हैं। दोस्तों इससे पहले कि इस फिल्म के बारे में हम आगे बात करें और दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करें, एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था एक मिनट के लिए। कल मैंने इसके टीज़र के ऊपर कमेंट किया था और उसमें लोगों ने रिप्लाई भी किया और लोगों के और भी कमेंट्स थे, तो मैं देख रहा था कि भाई जो दूसरे लोग हैं, लिब्रांडू हैं, प्रिंट हो गए या वायर हो गए, उनको तो ऐसी फिल्मों से प्रॉब्लम होती है, चाहे वो उरी हो, तानाजी हो, उसके तो वो खुलकर जहर उगलते हैं ऐसी फिल्मों के खिलाफ। लेकिन आपके और मेरी सोच वाले जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो भी अब ऐसी फिल्मों को गालियाँ दे रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था कमेंट्स कि भाई लोगों ने लिखा हुआ था, अरे कुछ नहीं है, सब बकवास है, देशभक्ति बेचने का तरीका है, साले ये हैं वो हैं, पाखंडी हैं, देशभक्ति बेच के पैसा बना रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से इस इंडस्ट्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ। लेकिन दोस्तों अब हम क्या चाहते हैं, मतलब अब ये फिल्म इंडस्ट्री एक रियलिटी है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ रियलिटी है, कहीं नहीं जाने वाली और आगे ग्रो ही करेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि गायब हो जाए फिल्म इंडस्ट्री इस दुनिया से, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये यहीं रहेगी, फिल्में भी बनेंगी, बनती रहेंगी। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई या तो ये Race 3 और राधे जैसी फिल्में आती रहें और हम उनको देखते रहें, या फिर बीच बीच में एक आधी ऐसी फिल्म भी आ जाए। अब क्या बुराई है, ये लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि मतलब ये लोग क्या करें जिन्होंने फिल्म बनाई है। इस फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ रुपये है। हम लोग क्या चाहते हैं कि 100 करोड़ में पहले अपनी जेब से लगा के वो पिक्चर बनाएं ऐसी देशभक्ति वाली और फिर उसको फ्री में यूट्यूब पर रिलीज़ कर दें? यार वो पैसा तो कमाएंगे ना अगर 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। मैं भी वीडियो बनाता हूँ जो सीरीज़ वाले हैं, मातृभूमि है, स्पिनाज स्टोरीज़ है, इंडियाज़ ब्रेवेस्ट है, किसी किसी वीडियो मेरे को 20 दिन 25 दिन, किसी किसी वीडियो में 1 महीना भी लग जाता है मेरे को बनाने में। तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई वो वीडियोज़ पैसे कमा लें, इसलिए मैं उनमें हर दो ढाई मिनट में ऐड डाल देता हूँ कि थोड़े पैसे कमा लें, क्योंकि मैंने 20-25 दिन लगाए उस वीडियो को बनाने में, इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो उसमें क्या बुराई है, मतलब पैसा कमाना कब से बुरी बात है? अगर आप मेहनत करके फिल्म बनाना, बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, इस प्रकार की खासतौर पर वॉर फिल्म बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। हमें तो ये भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम ऐसी फिल्में आ तो रही हैं, साल में एक ही सही, लेकिन आ तो रही हैं ऐसी फिल्में। कितनी ज़रूरी हैं ऐसी फिल्में आना, मैं पहले आपको वो बताता हूँ दोस्तों, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका में दोस्तों वियतनाम वॉर के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपनी फ़ौज के प्रति एक नफरत का माहौल बन गया था, उसके बाद अपनी फ़ौज के खिलाफ प्रदर्शन और लोग एक एंटी फ़ौज हो गए थे अमेरिका के। तो जो रिक्रूटमेंट थी, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, उसकी जो रिक्रूटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। ऐसे में फिल्म आती है 1986 में टॉप गन टॉम क्रूज की, उसको टॉनी स्कॉट ने डायरेक्ट किया था। वो यूएस नेवी की कहानी थी, यूएस नेवी के जो एविएटर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उनकी कहानी थी वो। टॉम क्रूज ने भी वो रोल किया था। वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही दोस्तों, उस फिल्म ने $350 मिलियन कमाए, वो लगभग $20 मिलियन के बजट पे बनी थी। उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद यूएस नेवी और एयरफोर्स की जो रिक्रूटमेंट थी 500% ऊपर चली गई दोस्तों, 10-50% नहीं, 500-500% ऊपर चली गई। हालत ये हो गई कि यूएस नेवी और एयरफोर्स को जिन थिएटर्स में टॉप गन चल रही होती थी उनके बाहर अपनी रिक्रूटमेंट स्टॉल लगानी पड़ गई। तो लोग फिल्म देख के आते थे नौजवान और बाहर स्टॉल पे फॉर्म भरते थे एयरफोर्स का, नेवी का, और फिर ऐसे रिक्रूटमेंट होने लग गई। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे फिल्मों को आना, क्योंकि आर्मी जो है हमारी, ऐसी फिल्में आर्मी की तरफ नौजवान को, यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करती हैं। मैं तो चाहता हूँ ये 100 करोड़ में बनी है फिल्म, ये 500 करोड़ रुपए कमाए, जिससे कि उस फिर 500 करोड़ रुपए से यदि 5 नहीं तो 2-3 फिल्में तो ऐसी और बने। इसलिए दोस्तों हमें ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं होती कि इंडस्ट्री में सब कुछ ही खराब हो गया। भाई जहाँ इंडस्ट्री में अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं, वहाँ विवेक अग्निहोत्री जैसे भी हैं, जहाँ नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं, तो हर नसीरुद्दीन शाह के लिए एक अनुपम खेर भी बैठा हुआ है, तो हर परेश रावल भी हैं वहाँ, है ना, तो हर टाइप के लोग हैं। अब दोस्तों यदि इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो अजय देवगन तो अजय देवगन है ही, और वो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। आपने देख ही लिया भाई उनकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह, डायलॉग उनको धांसू मिले हैं, उनकी जो वॉक वगैरह आपने देख ही ली, तो उनका काम तो अच्छा होने वाला है। संजय दत्त भी अच्छी एक्टिंग करता है, ये तो इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। उनकी पर्सनल जिंदगी, उनके कलेश अपनी जगह, लेकिन एक्टिंग तो अच्छी कर ही लेता है। एमी वर्क का काम मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, पर वो भी अच्छी एक्टिंग करते हैं मैंने सुना है, तो वो भी अच्छा काम कर ही लेंगे। शरद केलकर का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई साहब, मतलब उसकी आप पर्सनैलिटी ले लो, स्क्रीन प्रेजेंस ले लो, उसकी आवाज़ ले लो, एक्टिंग ले लो, हर चीज़ उसकी मतलब एकदम बहुत बढ़िया है।
बस मुझे शिकायत यह है कि वो ज्यादा जितना नजर आना चाहिए फिल्मों में, जितना काम उनको मिलना चाहिए उतना उनको मिलता नहीं है। शरद केलकर को ज्यादा नजर आने चाहिए, नहीं आते। तो शरद केलकर से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम है इस फिल्म की कास्टिंग से, नूरा फतेही की कास्टिंग से। मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा, नूरा फतेही इस फिल्म में एक जासूस का रोल कर रही है, स्पाई का, अंडर कवर स्पाई है, जासूस है, जो इंडिया का जासूस है लेकिन पाकिस्तान में अंडर कवर रह के काम कर रही है इंडियन आर्मी के लिए। तो जो जासूस का रोल होता है ना दोस्तों स्पाई का, ये बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्ड रोल होता है, क्योंकि एक जो स्पाई होता है एक उसकी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, उसकी पैदाइशी आइडेंटिटी होती है बाय बर्थ। फिर दूसरी आइडेंटिटीज उसकी होती हैं जो अंडर कवर आइडेंटिटीज होती हैं, जिसे कवर आइडेंटिटी कहा जाता है स्पिनाज की दुनिया में, जो बहुत सारी होती हैं जितने मिशन के हिसाब से, हर मिशन में अलग अलग आइडेंटिटी होती है। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं एक जासूस की अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से अलग, इसलिए उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्ड हो जाता है इमोशनली स्पीकिंग। अब ऐसे रोल के साथ, स्पाई के रोल के साथ जो एक बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्ड होता है, नूरा फतेही कितना न्याय कर पाएंगी ये देखना होगा, पर मुझे, मैं ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। तो इस फिल्म की कास्ट की यदि बात करें तो नूरा फतेही इसमें वीकेस्ट लिंक होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी समय ही बताएगा। अब अंत में बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस फिल्म से जो हमारे देश के लिब्रांडू हैं, द प्रिंट हैं, वायर हैं, इन लोगों को दिक्कत होने वाली है? क्या अब इस फिल्म के खिलाफ भी वैसा ही एक अभियान और प्रचार प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाएगा जैसा कि उरी के साथ शुरू किया गया था, और उरी में डायलॉग चेंज करवा दिया था इन लोगों ने? क्या इस फिल्म में, ट्रेलर में तो इसमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक है नहीं, तो क्या, लेकिन इस ट्रेलर से ही क्या लोगों को दिक्कत हो सकती है हमारे लिब्रांडुओं को दोस्तों? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। अब आने वाले दिनों में देखेंगे द वायर और प्रिंट जैसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, लिब्रांडू पब्लिकेशंस हैं, इनके ऊपर इस फिल्म की आलोचना करना, इस फिल्म की नेट पिकिंग करना, इसके मतलब बाल की खाल निकालना वो लोग शुरू कर देंगे, छोटी छोटी बातों को पकड़ के, किसी चीज को पकड़ के आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देंगे। अभी आप देख लेना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। अब आने वाले दिनों में कुछ, कल से शुरू हो जाएगा ये काम, आज से हो सकता है कि शुरू हो जाए, आने वाले दिनों में तो होना ही शुरू हो जाएगा। इसके खिलाफ, इस फिल्म के खिलाफ एक प्रचार एक सुनियोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। इसमें बोला जाएगा कि देखो भाई ये कैसे टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म है, कैसे मार धाड़ सिखा रहे हैं, लोगों को हिंसा सिखा रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत भर रहे हैं एक ऐसी फिक्शनल फिल्म बना के। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसी फिल्में पूरी दुनिया में बनती हैं लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बोलता। उन फिल्म की जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बिल्कुल एकदम टेक्निकलिटीज़ के ऊपर उन फिल्म का रिव्यू किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। ऐसी फिल्म कैसे बना दी? क्योंकि इन लोगों को तो आर्मी से ही दिक्कत है ना ओवरऑल। ये तो JNU में खड़े होकर आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं ना, वो आर्मी जिसने आज तक दुनिया में बेचारे किसी के ऊपर आक्रमण ही नहीं किया। जब खुद के ऊपर बात आई है, किसी ने आक्रमण किया है तो अपना बचाव किया है बस, देश का जो उनका काम है, कभी किया ही नहीं किसी के ऊपर आक्रमण, उससे इन लोगों को प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऐसी फिल्मों से भी प्रॉब्लम है। तो आप देख लेना, कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। हमें ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करवानी है, इन फिल्मों को सफल बनवाना है, जिससे कि ऐसी फिल्में बनती रहें। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसी फिल्मों का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये लोग चाहे कितनी बकवास करें, करने तो इनको कुछ मत बोलो, आप इनको इग्नोर मारो, क्योंकि जितना ये बोलेंगे ऐसी फिल्मों के खिलाफ, ये लोग जितने आर्टिकल्स लिखेंगे, हैशटैग चलाएंगे, उतना ऐसी फिल्मों को मदद मिलेगी, प्रचार ही मिलेगा। क्योंकि एक आदमी जो, मान लो मैंने इस फिल्म को देखने का मन भी नहीं बनाया होगा और मैं देखूंगा यार प्रिंट इसके बारे में ये लिख रहा है, वायर ये लिख रहा है, राणा यूब इस फिल्म के बारे में ये कह रही है, फलाना डिमकाना ये कह रहा है, आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या, कम से कम एक बार इस फिल्म को देख तो लूँ। मैंने सोचा भी नहीं था मैं इस फिल्म को देखूंगा, लेकिन क्योंकि जब मैंने आर्टिकल्स पढ़ता हूं, करता हूं, यार ऐसा क्या हो सकता है, इस फिल्म में देखना चाहिए इस फिल्म को, तो मेरे अंदर एक उत्सुकता जागेगी। तो ये लोग तो उल्टा मदद ही करेंगे इस फिल्म की, अगर लिखते हैं, मैं तो चाहता हूं कि करें इसकी जितना कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कहेंगे तो दूसरी तरफ से मेरे जैसे लोग भी कहेंगे, तो इस फिल्म को और ज़्यादा पब्लिसिटी ही मिलेगी। पब्लिसिटी जो होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, कम से कम फिल्मों के उस संदर्भ में। तो दोस्तों आने वाला समय बता ही देगा कि फिल्म कैसी होगी, लेकिन इस फिल्म को देखें ज़रूर, जब भी ये रिलीज़ हो रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी फिल्में सफल हों, और ऐसी फिल्में अगर सफल होंगी तो आने वाले समय में बनती रहेंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।